नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू ऑन यूनिट थर्ड फ्लूट्स एज पर सिलेबस विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 फॉर आरजीपीवी ऑनलाइन एग्जाम एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो दोस्तों ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एमसीक्यू पार्ट 3 जो यूनिट थर्ड्स पर है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दोस्तों 60। तो दोस्तों जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड्स विच डिटरमाइन क्वेश्चन फर्स्ट है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है दोस्तों? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, फ्लूड का पदार्थ का वह गुण जो डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस, उसको हम किस नाम से जानते हैं? विस्कोसिटी। क्या ऑप्शन है दोस्तों? राइट ऑप्शन है ए, विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्लूड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, ये किसका स्टेटमेंट है? एज पर पास्कल ला, पास्कल के नियम के अनुसार जो फ्लूड का प्रेशर है अप्लाई इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में बराबर अप्लाई होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, पास्कल ला। थर्ड नंबर, पेल्टन टरबाइन इज सूटेबल फॉर, पेल्टन टरबाइन जैसे कि हम जानते हैं पेल्टन टरबाइन है जो कि टेंजेंशियल फ्लो होता है और इज सूटेबल होता है हाई हेड के लिए, हाई हेड लो डिस्चार्ज पर वर्क करता है पेल्टन टरबाइन, या पेल्टन व्हील के नाम से भी जानते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई हेड। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है दोस्तों? पास्कल। राइट ऑप्शन ए, पास्कल। फ्रांसिस टरबाइन इज सूटेबल फॉर, फ्रांसिस टरबाइन जो है एक इसके लिए सूटेबल है मीडियम हेड के लिए। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, मीडियम हेड। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड ऑन, जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है वो किसमें उपयोग की जाती है? जो ड्राफ्ट ट्यूब है वे यूज होती है दोस्तों रिएक्शन टरबाइन में। एक इंपल्स टरबाइन होता है जिसके अंदर पेल्टन भी लाती है, रिएक्शन टरबाइन कैपलान एंड फ्रांसिस टरबाइन आते हैं। तो जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पर कनेक्ट होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन टरबाइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैपलान टरबाइन इज सूटेबल फॉर, जो कैपलान टरबाइन है ये किसके लिए सूटेबल होता है? लो हेड के लिए। कैपलान टरबाइन किस पर काम करता है? लो हेड। राइट ऑप्शन ए, लो हेड। बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो बर्नौली इक्वेशन है ये किस पे काम करती है, किसके बारे में रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट ऑप्शन डी। सर्ज टैंक इज यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ, किसकी सेफ्टी के लिए सर्ज टैंक कनेक्टेड होता है दोस्तों? ये हमारा पावर प्लांट में यूज होता है। तो सर्ज टैंक है जो पाइप की सेफ्टी के लिए, पेनस्टॉक की सेफ्टी के लिए कनेक्टेड होता है, जिस पेनस्टॉक से डैम से पानी बहते हुए टरबाइन तक पहुंचता है। तो जो पेनस्टॉक है उसमें वाटर हैमरिंग को कम करने के लिए क्या सर्ज टैंक बनाया जाता है? तो ये राइट ऑप्शन क्या है? पेनस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर, जो पिटोट ट्यूब है इससे हम क्या मेजर करते हैं दोस्तों? वेलोसिटी। पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर वेलोसिटी। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, वेलोसिटी। बेंचरी मीटर इज यूज टू मेजर, बेंचरी मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? डिस्चार्ज। राइट ऑप्शन क्या है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब फ्लो रेट, किसी भी पाइप से जो पानी फ्लो होता है या मास फ्लो रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज किससे मेजर करते हैं? बेंचरी मीटर से, जिसको हम पाइपलाइन में कहीं भी कनेक्ट करके फ्लो रेट पर्टिकुलर जगह पे हम मेजर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे? मास। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, मास। बर्नौली इक्वेशन एनर्जी और कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे? मास पर काम करती है। इन आइडियल फ्लूड इज, आइडियल फ्लूड का मतलब होता है आइडियल फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होता है और जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। तो इन कंप्रेसिबल एंड इन विसाइल विस्केस, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए फ्लो ऑफ लेमिनार,
दोस्तों दो प्रकार के फ्लो यहाँ पर लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। लेमिनार फ्लो का मतलब होता है जो एक स्ट्रीम लाइन, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में जैसे पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, लेमिनार। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जो नदी वगैरह में पानी फ्लो होता है टेढ़ा मेढ़ा जिग जाग वे में, वो हमारा क्या कहलाता है, टर्बुलेंट। तो फॉर ए फ्लो ऑफ लेमिनार द राइट ऑप्शन क्या है, फ्लूड पार्टिकल्स मूव्स इन ए लार्ज लेयर पैरेलल टू द बाउंड्री। राइट ऑप्शन क्या है, सी, लेयर के फॉर्म में फ्लूड पार्टिकल्स एक यूनिफॉर्म मूव करते हैं। ओके, द पंप यूज फॉर इरीगेशन पर्पज, इरीगेशन पर्पज में हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप भी यूज होता है। और दोस्तों कौन सा पंप यूज होता है, सबमर्सिबल पंप। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड सबमर्सिबल पंप। फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए पाइप टेक प्लेस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन है, द डिलीवरी वाल्व व्हाइल स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कीप। जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसको क्या करते हैं, डिलीवरी वाल्व कैसा रहता है जब पंप को हम स्टार्ट करते हैं, ये क्या होता है, फुली क्लोज्ड। राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, फुली क्लोज्ड। टोटल क्या होता है, बंद होता है, फुली क्लोज्ड होता है। ओके, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 13.6 वाटर की 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, और हमारी जो मरकरी है इसकी रिलेटिव डेंसिटी 13.6। राइट ऑप्शन सी, डायनामिक विस्कोसिटी हैज द यूनिट, जो डायनामिक विस्कोसिटी है इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट केजी पर मीटर सेकेंड। राइट ऑप्शन ए, केजी पर मीटर सेकेंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ फ्लूइड विच ओवे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज टर्म एच, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है ओवे, वो क्या कहलाता है, न्यूटनियन फ्लूइड। क्या कहलाता है, न्यूटनियन फ्लूइड। तो राइट ऑप्शन सी, न्यूटनियन फ्लूइड्स। 2 लीटर ऑफ पेट्रोल वेट्स 14 न्यूटन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यदि 2 लीटर पेट्रोल है और उसका वेट है 14 न्यूटन, तो इसकी डेंसिटी निकालना है। तो दोस्तों आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि हम डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इससे नहीं निकलेगा, हमको लगाना पड़ेगा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक वेट को कैलकुलेट कर लेंगे, इसके बाद हमको यहाँ से मिल जाएगी डेंसिटी, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इक्वल होता है रो जी, तो रो हमको कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक वेट निकाल के हम जी की वैल्यू 9.8 पुट अप करेंगे, तो राइट ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन बी, 13.56 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लीटर ऑफ पेट्रोल वेट्स 14 न्यूटन, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट। अब इसमें हमको स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, तो स्पेसिफिक वेट का फार्मूला आपको अभी बताया है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं, जो निकलेगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर प्लेस्ड 10 mm अपार्ट। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेट ए है, एक ए है, जिनके बीच की गैप है, जो ये हमारा कितना गैप है दोनों प्लेट्स के बीच का, 10 mm है। द स्पेस बिटवीन, दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है बिटवीन, फिल्ड विद ऑयल ऑफ विस्कोसिटी, ये किससे भरा हुआ है, ऑयल से भरा हुआ है, जिसकी विस्कोसिटी 1.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तो इसमें हमको कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस इन द ऑयल इफ द अपर प्लेट मूव्स विद वेलोसिटी, हमको वेलोसिटी दी है अपर प्लेट की 2 मीटर पर सेकेंड। तो निकालना क्या है, टाउ, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो टाउ इक्वल क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो दोस्तों डी वाई हमारा 10 mm है और डी यू हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है और विस्कोसिटी हमारी 1.5 है, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा इसका राइट ऑप्शन है, जो कि निकल के आएगा। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है फ्लूइड का वो किसका रेसिप्रोकल होता है, डेंसिटी का। राइट ऑप्शन क्या है, डेंसिटी, 1 अपॉन डेंसिटी इक्वल क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्वाइज इज अ यूनिट ऑफ, क्वाइज किसकी यूनिट है दोस्तों, डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम क्वाइज में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायनामिक विस्कोसिटी। ऑल लिक्विड सरफेस टेंड टू स्ट्रेच, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहलाता है दोस्तों, ये ऑल लिक्विड सरफेस टेंड टू स्ट्रेच, स्ट्रेच होते हैं,
तो ये फिनोमेना हमारी सरफेस टेंशन, राइट ऑप्शन क्या है डी, सरफेस टेंशन होती है, क्योंकि बाहर की जो एयर है, बाहर के एयर के मालिक्यूल्स हमारे फ्री सरफेस पे वाटर के क्या करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। द फ्लूड फ्लो थ्रू अ पाइप इज लेमिनार व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। जब हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 होती है तो ये हमारा लेमिनार फ्लो होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अ पेल्टन टर्बाइन है, ये जो पेल्टन टर्बाइन है वो हमारा किस प्रकार का टर्बाइन है, टेंजेंशियल फ्लो, राइट ऑप्शन ए, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन होता है पेल्टन व्हील्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्लान टर्बाइन इज ए, कैप्लान टर्बाइन किस तरह का होता है, एक्सियल फ्लो, जैसे कि कैप्लान टर्बाइन की जो शाफ्ट होती है एक्सल होता है, उसी के डायरेक्शन में यदि पानी फ्लो हो रहा है तो वो एक्सियल फ्लो, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक्सियल फ्लो। फ्रांसिस टर्बाइन इज ए, फ्रांसिस टर्बाइन हमारा मिक्स फ्लो कहलाता है, मीडियम हेड भी होता है और मिक्स फ्लो भी होता है, तो ये ध्यान रखना है किस टाइप का टर्बाइन में किस प्रकार से फ्लो होता है। 1 लीटर ऑफ सर्टेन फ्लूइड वेट्स 8 न्यूटन, व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास या 1 अपॉन रो, मींस डेंसिटी का रेसिप्रोकल, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो राइट ऑप्शन डी 1.23 इनटू 10^-3 मीटर क्यूब पर केजी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, ये जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इसका करेक्ट फार्मूला क्या है दोस्तों, पी एब्सोल्यूट इक्वल पी एटमोस्फियर प्लस पी गेज, तो एटमोस्फियर प्लस गेज प्रेशर का जो सम होता है ये हमारा किसके इक्वलेंट होता है, पी एब्सोल्यूट, तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। द यूनिट ऑफ प्रेशर 1 bar इज, 1 bar प्रेशर इक्वल क्या होता है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पास्कल दिया है यूनिट, तो पास्कल में 100 kilopascal, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि 100 मतलब 10^2 और किलो मतलब 10^3, तो ये मिलके क्या हो गया, 10^5। ओके, तो राइट ऑप्शन सी। 34, द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.2 × 10^-4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वेयर्स द डेंसिटी इज 600 kg पर मीटर क्यूब, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑप्शन बी 20 × 10^-8 निकल के आएगी, क्योंकि ये डायनामिक विस्कोसिटी अपन क्या होता है, डेंसिटी, जिससे हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर न्यूटनियन फ्लूड इज, जो न्यूटनियन फ्लूड होता है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या होता है, लीनियर, राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी, लीनियर। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज इन आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड की क्या कंडीशन होती है, आइडियल फ्लूड का मतलब होता है अ फ्लूड विच हैज नो विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नो सरफेस टेंशन, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे आइडियल फ्लूड्स को फॉलो करते हैं। 37, हाइड्रोलिक टर्बाइन इज कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू, हाइड्रोलिक जो टर्बाइन्स होते हैं ये हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में परिवर्तित करते हैं, किस में दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि जो वाटर आता है डैम से वो टर्बाइन की ब्लेड्स पर स्ट्राइक करता है, और जैसे ब्लेड पर टकराता है तो उस टर्बाइन को रोटेट करता है, घुमाता है, तो पानी से टर्बाइन जो घूम रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ऊर्जा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो राइट ऑप्शन बी, मैकेनिकल एनर्जी। विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक टर्बाइन्स, हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। पेल्टन व्हील इज -- टाइप ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन, पेल्टन व्हील किस तरह का हाइड्रोलिक टर्बाइन है, इम्पल्स हाइड्रोलिक टर्बाइन, तो इम्पल्स राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इम्पल्स, ओके, इम्पल्स टर्बाइन कहलाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं इम्पल्स। फ्रांसिस टर्बाइन इज -- टाइप ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन और कैप्लान टर्बाइन ये दोनों हमारे रिएक्शन टर्बाइन है, तो राइट ऑप्शन क्या है, बी, रिएक्शन टर्बाइन। पेनस्टॉक्स आर मेड ऑफ अप ऑफ, जो पेनस्टॉक होता है, पेनस्टॉक जैसे कि एक पाइप है जो पानी को डैम से फ्लो होके जाता है पानी टरबाइन तक,
किससे? पाइप से। उस पाइप का नाम क्या है? पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक किसका बना होता है? स्टील। राइट ऑप्शन स्टील। स्टील का भी होता है, सीमेंट कंक्रीट का भी हो सकता है, तो यहाँ पे स्टील करेक्ट ऑप्शन है। फ्रांसिस टर्बाइन इज ए डैश डैश रिएक्शन टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन इन वर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन कहलाता है। राइट ऑप्शन बी, फ्रांसिस टर्बाइन इज ए इन वर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन। मीन्स इसमें जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है। फ्रांसिस एंड कैपलाइन टर्बाइन्स आर नोन एज। फ्रांसिस एंड कैपलाइन टर्बाइन को हम किस नाम से जानते हैं? रिएक्शन टर्बाइन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 43 क्वेश्चन का क्या? ऑप्शन सी, रिएक्शन टर्बाइन। क्वेश्चन नंबर 44। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट। सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग हम किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं दोस्तों? पानी के लिए, वाटर फ्लूड्स। द फ्लूड कपलिंग सॉरी द फ्लूड कमिंग इन टू द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एक्सीलरेटेड बाय, किसके द्वारा? इम्पेलर। राइट ऑप्शन क्या है? इम्पेलर। क्योंकि फ्लूड है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आता है उसके आई पे सेंटर पे, और जब वो इम्पेलर रोटेट करता है तो एक्सीलरेटेड होता है। तो राइट ऑप्शन बी, इम्पेलर। विच टाइप ऑफ पंप कैन गिव डिस्चार्ज इवन एट हाई प्रेशर? कौन सा पंप दूसरी दोस्तों? रोटरी पंप। राइट ऑप्शन क्या है? सी, रोटरी पंप है, जो कि हाई प्रेशर से क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। रिसिप्रोकेटिंग पंप आर बेस्ट सूटेड। जो रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो कहाँ पे सूटेबल होता है? वेयर स्मॉल कांस्टेंट सप्लाई, जहाँ पे कम मात्रा में वाटर की सप्लाई करना हो आर रिक्वायर्ड, लेकिन प्रेशर चाहिए हो हाई, एट हाई प्रेशर। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द रेगुलेटिंग वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है इसमें जो रेगुलेटिंग वाल्व होता है ये प्रोवाइड कहाँ पे होता है दोस्तों? डिलीवरी पाइप में। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, डिलीवरी पाइप। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर्स द पंप, कहाँ पे? एट द सेंटर। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है तो उसकी आई मतलब उसके सेंटर पे है जो पानी क्या होता है? इंटर करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, एट द सेंटर। A centrifugal pump is superior to a reciprocating pump because, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि centrifugal pump है ये superior है reciprocating pump की अपेक्षा, क्योंकि it is a high speed pump, it gives smooth flow, it is more economical, all of the above. तो right option है D, इन सभी कारणों के कारण जो centrifugal pump है superior है किसकी अपेक्षा? reciprocating pump। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का जो दोस्तों क्वेश्चन है इसका आंसर, एक बीकर है जिसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड अप टू मार्क 1 लीटर एंड वेट्स 1 लीटर, और द वेट ऑफ द लिक्विड फाउंडेड टू बी 6.5 न्यूटन। तो द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड ये आपको कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू इक्वल क्या होता है? रोजी। या वेट ऑफ द फ्लूड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड, तो वॉल्यूम भी दिया है वेट भी दिया है, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब राइट ऑप्शन निकल के आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट? स्पेसिफिक वेट की यूनिट जो है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। राइट ऑप्शन क्या है? बी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज बर्नौली इक्वेशन एज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? तो दोस्तों बेंचरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटर टी, वे तीनों ही बर्नौली इक्वेशन पे वर्क करती हैं, तो नॉन ऑफ दी वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द डिवाइस फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज, जो यूज नहीं होती है बर्नौली इक्वेशन एज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, नॉन ऑफ दी वो राइट ऑप्शन इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एंड अंडर प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल इफ द हाइट अबव द डेटम इज 30 मीटर, व्हाट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर? राइट ऑप्शन 72 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? हिंट दी हुई है, हम जानते हैं बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस पी अपॉन रो जी प्लस जेड इक्वल होता है कांस्टेंट, या p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल कांस्टेंट। इसमें पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अ फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स।
तो फ्लूड इज ए सबस्टेंस दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट के कंडीशन में नहीं रह सकता अंडर द एक्शन ऑफ एनी एयर फोर्सेस। 56 व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 15 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए रिजर्वायर। एक रिजर्वायर है जिसके 15 मीटर बिलो मतलब उस पानी की गहराई में क्या है इंटेंसिटी या प्रेशर कितना होगा, तो P इक्वल होता है रो एच, और रो स्पेसिफिक वेट है जो कि आपको मालूम है, रो इक्वल क्या होता है रो जी स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ से रो जी रो डेंसिटी हमको पानी की 1000 है, जी 9.81 है, एच दिया है 15, तो कैलकुलेट करेंगे तो राइट ऑप्शन 147.15 करेक्ट ऑप्शन निकलेगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, तो दोस्तों इन बर्नौली थ्योरम पी अपॉन रो जी इज नॉन एज, बर्नौली थ्योरम में जो एक पैर ए आती है पी अपॉन रो जी, ये किस नाम से जानते हैं प्रेशर हेड, राइट ऑप्शन क्या है सी प्रेशर हेड, जेड होता है डेटम हेड और वी स्क्वायर अपॉन 2g कहलाता है काइनेटिक हेड, तो ये ध्यान रखना है। 58 इफ द प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ डायमीटर 40 mm इज एंड द सरफेस टेंशन इज सोप बबल, तो मींस ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये न्यूमेरिकल से कि इफ द प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ डायमीटर 40 mm इज 2.5 Nm/m², व्हाट इज द सरफेस टेंशन इन ए सोप बबल। हिंट दी हुई है P इक्वल 8σ/d, तो इससे हम निकालेंगे तो 0.0125 Nm² हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि निकल के आएगा। ठीक है, प्राइमिंग रिलेटेड टू पंप किससे संबंधित है, यहाँ पे पंप से, क्योंकि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है तो उसमें प्राइमिंग का मतलब होता है सक्शन पाइप में हमको पूरा पानी फिल करके रखना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग द पंप, जिसको हम प्राइमिंग बोलते हैं। द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इज m³/s, राइट ऑप्शन ए m³/s, ये हमारी किसकी यूनिट है डिस्चार्ज की। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑन फ्लूड्स यूनिट 3, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जिससे और भी यूनिट्स के आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मिल सकें। थैंक यू।